मेहता का उल्टा चश्मा। कांचने, श्याम जी बोल रहा हूँ। श्याम जी? अच्छा वो दूधा का बेटा? कौन दूधा भाई? अरे हमारे गांव में हमारा जो घर है ना उसके बाजू में जो गली है उसमें जिसकी दुकान है वो दूधा, उसकी बात कर रहा हूँ। कौन सा गांव? अरे बचाओ बचाओ। अरे बचाओ नहीं बचाओ बचाओ सिग्नल। बापू जी वो आप जो सोच रहे हो मनसुख नहीं है, वो बेचारे टेंशन में। आप फोन दीजिए ना मुझे। हेलो, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। बस मैं अभी निकल रहा हूँ, ओके आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके अरे निकलो जल्दी निकलो भाई, चलो मिलते। बाल बाल बच गया। बच गया भाई, बच गए भाई। हाँ बाबू जी आता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिन। अच्छा सुन जेठा। हाँ बाबू जी। क्या बोल रहा हूँ, तू हॉस्पिटल जा रहा है तो वहाँ देर हो सकती है, तू खाना खाकर जा। हाँ सेठ जी। अरे क्या हाँ सेठ जी, मेरा दोस्त बेचारा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है और मैं यहाँ खाना खाने बैठूं? पापू जी अभी खाने का बिल्कुल मन भी नहीं है, जीव एकदम उचक हो गया है। मैं खाना खाने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी बापू जी। नहीं बराबर है, तू जा। थैंक यू। जय जी। हाँ जय जी। अच्छा सुन एक मिनट जटिया। हाँ? अभी खाने का नाम लिया है ना, खाली थोड़ा पानी पी ले। पानी पी ले। पानी। ओके चलो जय जी। हाँ जय जी। अच्छा मैं क्या कहता हूँ जटिया। हाँ बापू जी। बाघा एक सेकंड। जी बापू। तू हॉस्पिटल जा रहा है ना तो बाघा को साथ लेकर जा। वो क्या है ना कि कुछ अर्जेंट काम आया तो बाघा काम आएगा। बापू जी अगर बाघा की जरूरत पड़ी तो मैं फोन करके उसे बुला लूंगा। क्या कि अभी ये लोग ना हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ नहीं करने देते। बापू जी अभी मुझे जाने दीजिए। निकल निकल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे ये बाघा को आज हो क्या गया, गलती पर गलती कर रहा है, उसको समझाना पड़ेगा। आ गया बापू जी। हेलो बाघा, कुछ बोलना मत, मैं जो बोलू सिर्फ सुन। बापू जी सामने। हाँ तो बालकनी में जा। अरे यहाँ ठीक से सिग्नल नहीं आ रहा, ऐसा बोल के बालकनी में जा। हेलो हेलो। बापू जी यहाँ पे सिग्नल बराबर आ नहीं रहा है, तो मैं बालकनी में जाके बात करूँ? किसका फोन? हेलो हेलो, किसका फोन है? अरे बाउरी का फोन, ऐसा बोल ना। बापू जी लगता है शायद बावरी जी का फोन है। हाँ जा बात करके। थैंक यू बापू जी। हेलो 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 हेलो। आ गया बालकनी में। अरे अभी तो बापू जी सामने नहीं है ना, अभी क्या हाँ कर रहा है? बोलिए फोन क्यों किया? अरे फोन क्यों किया बाड़ी, तुझे तो पता है ना कि मैं पार्टी शार्टी के लिए पोपटलाल के घर पे जा रहा था। क्या जब बापू जी ने मुझे खाना खाने के लिए बोला तो तूने हामी क्यों भरी? सेठ जी खाना खा लीजिए। ऐसा क्यों बोला? वो तो सेठ जी बापू जी को आप पे शक न हो इसलिए। अच्छा हाँ बोलिए और कुछ? क्यों तो बिजी है? नहीं नहीं बिजी क्या, अच्छा ठीक है और बात कीजिए, मुझे क्या फिर आपको ही पार्टी में जाने के लिए लेट हो जाएगा। नहीं नहीं अभी और कोई बात नहीं करनी है, सुन। सुना? ओ ये सुना, ओ ये सुना, ये बेटा
बाटू और बापूजी अभी खाना खा लो और बापूजी को आग्रह करके 2-3 वाटी ज्यादा बासुंदी पिलाना ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ चल। एक मिनट सेठ जी। हाँ आप हो कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतनी जल्दी पोपट भाई के घर पे पहुँच गए? अरे नहीं भाई, मैं घर के बाहर से ही बोल रहा हूँ। किसके घर के बाहर से? अरे किसके घर के बाहर से क्या? हेलो हेलो मैं इधर घर के बाहर से बोल रहा था। ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट सेठ जी। ओके एक बार रोशन भाभी से भी पूछ लेता हूँ, वहाँ सब बंदोबस्त बराबर है ना? एक मिनट, जेठा भाई ने फोन। अरे स्पीकर पे लगाइए। क्या हो रहा? हेलो। हाँ रोशन भाभी, सब बराबर है ना? वो पिज्जा पास्ता सब पहुँच गया ना बराबर? हाँ बड्डू आ गई, सिर्फ बबीता का आना बाकी है। बबीता जी अभी तक नहीं आए? बस आती होगी। जेठा भाई पार्टी का बंदोबस्त एकदम छान। हाँ जेठा भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अरे बस आप लोग एंजॉय कीजिए बस। ओके ओके ओके। चलो महिला मंडल भी सेट है और बापू जी भी सेट है, अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी ना मस्त मजे से पार्टी सर्टी करने को मिलेगी। ओ जेठा प्रा, ओ तुसी तो आ जाओगे, लेकिन वो नहीं आई। कौन नहीं आई? ओ एक कैरम दी बोतल। ओ प्रशांत का बंदा अभी तक बोतल नहीं देखे गया। क्या बात कर रहा है छोटी? हाँ तो मुझे एक मिनट दे, मैं अभी प्रशांत भाई को फोन करके पूछता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। बोलो जेठा भाई। अरे प्रशांत भाई, आपका वो आदमी बोतल लेके अभी तक आया नहीं है। नहीं आया? वो तो कब का निकल चुका है, पहुंचने वाला होगा जेठा भाई। पक्का? हाँ बिल्कुल। अरे बागा चल बेटा, खाना खा लेते हैं। आ गया बापूजी, आ गया। ये हो गया सब। चल आजा, बैठ जा। हाँ। बापूजी हाँ। मैं 2 मिनट जरा फ्रेश होके आऊँ। हाँ जा, बस 2 मिनट में। हाँ बाघा ने बालकनी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया। प्रशांत भाई के आदमी जी। हाँ बोतल मुझे दे दीजिए। आप पोपटलाल जी? नहीं मैं जेठालाल हूँ। सर ने तो पोपटलाल जी के घर पे देने को कहा था। अरे भाई बोतल मैंने ही मंगाई है, मेरी पार्टी है, लेकिन हम लोग क्या पोपटलाल भाई के घर पे पार्टी कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने प्रशांत भाई को बोला था कि आप बोतल डायरेक्ट पोपटलाल भाई के घर पे ही भेजना। अभी आप, मैं जा ही रहा था उनके घर पे और आप भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही बोतल लेता चलूं। अरे चाहिए तो प्रशांत भाई को फोन करके बात कर लो। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। जेठिया तो हॉस्पिटल जाने के लिए निकला था, ये पोपटलाल की विंग में क्यों गया? उसके हाथ में क्या था? बबीता जी आप अभी तक यही है, गए नहीं? हाँ एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं उससे बात करते हुए रुक गई। जाइए जल्दी जाइए, महिला मंडल आपकी राह देख रहे हैं। हाँ बस मैं जा ही रही हूँ। जीठा जी थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टी। आपको थैंक यू बबीता जी, आपने अय्यर भाई को पार्टी में आने की परमिशन दी।
घर से तो तू हॉस्पिटल जाने के लिए निकला था ना? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल मैं मेरा दोस्त है तो बुलाया है उधर। ओके अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है प्लीज। ओके थैंक यू। चल बोल क्या 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 तू हॉस्पिटल जाने की जगह यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं जा रहा था ना बापूजी, तो रास्ते में मुझे ख्याल आया कि अगर मनसुख को ब्लड की जरूरत पड़ गई तो मैंने सोचा कि मैं पोपटलाल को जरा मिलता चलूं। क्या वो पत्रकार है ना, तो उसकी बहुत सारी ब्लड बैंक में पहचान हो सकती है। ओ, अच्छा ये क्या है? ये अरे आजू बाजू नीचे क्या देख रहा है? ये तेरे हाथ में क्या है? ये ओए अपना क्या आंवले का जूस? आंवले का जूस पोपटलाल ने मंगाया था, तो डिलीवरी करने वाला आदमी मुझे नीचे ही मिल गया, तो मैंने बोला मैं उनके घर पे जा ही रहा हूँ, मुझे दे दो मैं दे दूंगा उनको। ये अभी तेरा जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना जरूरी है ना, तू ये आंवले का जूस मुझे दे, मैं पोपट को पहुंचा देता हूँ। ला मुझे दे। नहीं नहीं बापू जी, मुझे पोपटल से बात भी करनी है ना। अरे तो जाते जाते रास्ते में से फोन से बात कर लेना, तू लाना भाई ला। अरे छोड़ बापू जी, संभाल के ले जाना। तो संभाल के लेके जाऊंगा ना, हूँ कहीं नानो किकलो थोड़ी छू। तू छोड़ छोड़, तू जा जा जल्दी जा हॉस्पिटल पहुँच। अरे चाचा जी को भी पार्टी शादी के लिए मना लिया? अरे सूटी मचा छोड़ मेहता साहब, जल्दी आप लोग छुपो। अरे तुम के अंदर आगे जाके दरवाजा खोलो, जाओ जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जाओ तुम खोलो। अरे देर लगे क्या, तुम्हारा घर है, मैं कैसे जा सकता हूँ? जाओ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ। ओए चेती कर चेती कर। अरे चाचा जी आप? हाँ मैं। दरवाजा खोलने में इतनी देर? वो मैं बाथरूम गया था। अच्छा ये ले। ये क्या है? क्या है मतलब? आंवले का जूस है, तेरा आंवले का जूस ले। आंवले का जूस? हाँ। नहीं नहीं ये मेरा नहीं है। हा? अरे क्या तेरा नहीं है? जेठिया ने बोला कि ये आंवले का जूस तूने मंगवाया है, तेरा है। जेठिया तुझे ये देने आ रहा था। मर गए। अब कैसा पोपटलाल क्या जवाब देगा? ओ हाँ अच्छा अच्छा लाइए लाइए, वो आज सुबह ही मैंने मंगवाया था। तो फिर तू आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गया है। अरे चाचा जी आपने आने की तकलीफ क्यों की? अरे नहीं वो क्या है ना कि जेठिया है ना उसका दोस्त हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल जा रहा था तो कंपाउंड में ये आदमी मिला, तो जेठिया ने बोला कि लाओ भाई ये जूस मैं पोपटलाल को पहुंचा दूंगा। हाँ तो वो खुद क्यों नहीं आया, आपको क्यों भेज दिया? नहीं नहीं वो जेठिया ही तुझे ये देने आ रहा था, लेकिन मैंने जेठिया को मना किया, मैंने बोला भाई अभी तेरा जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है, ये जूस पहुंचाना है ना, चला मुझे दे पोपट को ये जूस मैं पहुंचा देता हूँ। थैंक यू चाचा जी। हाँ और हाँ
जेठिया रास्ते में से तुझे फोन करेगा, हाँ तो तू बात कर ले। तूने ये आंवले का जूस मंगा के बहुत अच्छा किया पोपट बेटा। अभी क्या ठंड चल रही है ना, तो ठंड में आंवले का जूस पीना बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ बहुत बहुत अच्छा होता है। एक काम कर, एक गिलास ले, मुझे भी थोड़ा चखा। ये किसने दिया? क्या क्या भाई ने दिया बापू जी? गिफ्ट क्या है इसमें? वो है अपना वो काटा। भागा। एक काम कर, कहीं से गिलास ढूंढ के ला, मैं थोड़ा काढ़ा पीता हूँ। जी ये पीना है आपको अभी? हाँ क्यों, मैं नहीं पी सकता। नहीं क्यों? क्या है वो के भाई ने मुझे दिया ना, तो मैंने मन में ऐसा सोचा था कि मैं ये गिफ्ट मेहता साहब को दे दूंगा। काढ़ा लेके आयो तुम मेरे लिए? अरे भाई मैं आपके लिए काढ़ा लेके आऊंगा मेहता साहब, मैं क्या बेवकूफ हूँ आपके लिए कड़वा काढ़ा लेके आऊ? इसमें तो पार्टी शर्टी का सामान है। इस लाल ढक्कन वाली बोतल में तुम्हें हमारा कैरम मिलाना है। बापरे, गलती से सेठ जी का पनीर चिली खा लिया। ये आग नहीं है, खाने का आइटम है। सेठ जी, बागा भाई से कुछ अजीब स्मेल नहीं आ रही थी? मैं बागा के नजदीक जाता हूँ और देखता हूँ क्या सुगंध आ रही है। आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिता। बागा भाई को डांस करना अच्छा लगता है ना? उनको बोलिए कि नीचे आइए, हम लोग डांस करते हैं साथ में, मस्त भी किए। मुझे डांस करना नहीं है, डांस देखना है। एक मिनट, इस आदमी ने मुझे एकदम स्क्वीज कर दिया। स्क्वीज कर दिया। अब मैं भागू। भागो भागो। बापू जी एक मिनट। कहाँ गया भागा? कहाँ गया? क्या? क्या? भागा? भागा भाग। लेकर आओ उसे, लेकर आओ। डोंट वरी सर, ये गोली खाएंगे ना तो एकदम ठीक हो जाएंगे। या अचानक हिचके क्यों आ रही है बापू जी आपको? पता नहीं, अभी खाली पेट भागा दौड़ी हुई ना तो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है एक काम कर, वो काढ़ा दे। बापू जी वो काढ़े के थैली पता नहीं कहाँ रह गई है। ये देखो यहाँ है काढ़े की थैली। चलो अभी थोड़ा काढ़ा पी लेता हूँ। बापूजी, 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 नहीं, 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 बापूजी नहीं, ये मत पीजिए। क्या हुआ? क्योंकि ये काढ़े की बोतल नहीं है, पार्टी सार्टी वाली बोतल है। क्या? चाचा जी हमें माफ कर दीजिए, दरअसल वो मिशन काला कौवा के सफल होने की खुशी को दुगना करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बना लिया था। सॉरी सॉरी दोस्तों, कभी गाड़ी चलाते हुए एक ही दिन में दो तीन बार आपका चालान कटा है और वो भी हमेशा नो एंट्री में जाने पर? बहुत किस्मत खराब हो तभी ऐसा होता है। हमारी किस्मत तो पार्टी शार्टी के मामले में आप जानते ही हैं कितनी खराब है। जैसे ही पार्टी शार्टी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है ब्रेक लग ही जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा खतरा है चाचा जी। जेठालाल ने पोपटलाल को फोन किया, चाचा जी ने फोन ले लिया, फिर जेठालाल को पोपटलाल की विंग में जाते हुए चाचा जी ने पकड़ लिया और अब चाचा जी को इस बोतल में जो ये आंवले का जूस है
इसे चखना है। अब बताइए क्या होगा हमारा, अगर चख लिया और हम पकड़े गए तो क्या होगा? रंग तरंग रिजॉर्ट में हमारी कैसी दुर्गति हुई थी पता है ना आपको, उससे खराब हाल होंगे। अब क्या होगा, प्रार्थना कीजिए कि हम न पकड़े जाएं। अगर चाचा जी ने आंवले का जूस पकड़ लिया तो बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा। चाचा जी इस तरह से पीछे पड़ गए हैं जैसे, आप देखिए ना, जैसे आप दुकान में कोई कपड़ा पसंद कर दें और सेल्समैन पीछे पड़ जाए, या लोन देने वाला आपके पीछे पड़ जाए, या फिर चोर के पीछे पुलिस पड़ जाए। अब चाचा जी अगर पीछे पड़ गए तो क्या होगा, प्रार्थना कीजिए कि हमारा कोई बुरा हाल ना हो, हम ना पकड़े जाएं। आप पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, चाचा जी आंवले का जूस चखते हैं या नहीं चखते, लेकिन आपके घरों में हास्य का काढ़ा तैयार है। पीते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।